क्यों से देखी इस यूट्यूब की नई पॉलिसी को। इस यूट्यूब की नई पॉलिसी ने कितने सारे छोटे यूट्यूबर्स का दिल तोड़ के रख दिया, जैसे कि आप, मैं और वो कौन। ओ हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। वैसे ये बात मेरे को पूछनी नहीं चाहिए थी, जो YouTube ने किया है ना उसके बाद शायद आपकी भी हालत टाइट हुई पड़ी। अगर आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं है चैनल पे, मेरे पास खुद नहीं है, मेरी खुद की हालत टाइट हुई पड़ी है। लेकिन आपके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आऊँ जो मैं खुद भी अप्लाई करूंगा, और आप चाहते हो तो आप भी अप्लाई करो और इस वीडियो को पूरा देखो उन टिप्स को जानने के लिए, जिससे कि आपके चैनल पे वॉच टाइम आएगा अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करते हो। और मैं भी इन टिप्स को अप्लाई करके खुद के चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम क्रॉस कर लूंगा। अरे अरे हंसो मत, बंदा 4000 घंटे की वॉच टाइम को क्रॉस करने की बात क्या कहते, तुम लोग तो हंसने लपड़ते हो। अगर बंदा मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको अपने चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम क्रॉस करना है ना, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, आपको किसी भी छुट्टी वाले दिन लाइव आना होगा यूट्यूब पे, जैसे कि संडे का दिन होता है। ये नहीं कहता कि हर बार ही लाइव आओ, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपको लाइव आना होगा। लाइव आके आपको अपने सब्सक्राइबर के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना होगा। आपको अपने सब्सक्राइबर से पूछना होगा कि आपको मुझसे किस टाइप की, हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। समझ लीजिए आप लाइव आते हो, आपकी लाइव पे कम से कम 20 सब्सक्राइबर्स भी लाइव देखने के लिए आते हैं। आप पूछते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो बताते हैं कि भाई मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आपको 5, 6 या फिर 10 लोगों ने भी कहा ना कि मेरे को यार व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप उनके लिए वो वीडियो बना के दोगे। अब आपने वो वीडियो बना के दी उनके लिए, अब आपकी वीडियो पे आए हैं 30 व्यू। उनमें से जो 10 लोग थे वो तो डेफिनेटली वीडियो को देखेंगे पूरा, क्योंकि उन लोगों को उस टॉपिक में आ रही है प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर उस टॉपिक की चीज़ को समझने के लिए उनको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो अब 10 या फिर 12 लोगों ने भी आपकी 5 मिनट की वीडियो को पूरा देखा, तो आपके पास कितना ज़्यादा वॉच टाइम हो जाएगा। बाकी की बात ये है कि जिन लोगों को उस टॉपिक में नई भी प्रॉब्लम है, वो भी आपकी वीडियो देखते हैं, चाहे पूरी नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी देखेंगे। अब ये जो टिप है ये उन लोगों के लिए थी जिनके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि 200-300 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपके थोड़े से कम भी है, आप तब भी इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। अब जो अगली टिप है ना वो सभी के लिए है। मेरे कहने का मतलब है जिनका नया चैनल जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए भी है, या फिर जिन्होंने करना है उनके लिए भी है, मतलब कि सभी के लिए टिप है। तो ये टिप ये है कि आपको रोज़ की एक वीडियो अपलोड करनी होगी, नहीं तो आपको कम से कम 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करनी होगी। इससे शायद आपको भी पता क्या फ़ायदा होगा, अगर आप रोज़ की एक वीडियो अपलोड करते हो या फिर अगर आप 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हो, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ आने से आपको वॉच टाइम गेन होगा। लेकिन आपसे मैं फिर से कहता हूँ कि वीडियोस वही अपलोड करो जो आपके सब्सक्राइबर्स देखना चाहते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके सब्सक्राइबर्स क्या देखना चाहते हैं, आपको मैंने बता दिया। हफ्ते में एक बार लाइव स्ट्रीमिंग करा करो। फॉर एग्जांपल आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और एक सब्सक्राइबर जो आपकी कभी वीडियो नहीं देखता वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग पे आता है। अब उसको कोई सवाल होगा अगर उसके मन में, वो आपसे पूछेगा, आप उसके सवाल का जवाब दोगे। अब उसको लगेगा यार ये बंदा तो है बड़े काम का है, चल इसकी मैं कोई वीडियो देखता हूँ, ठीक है। अब वो आपकी वीडियो देखेगा, उसको आपकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वो आपकी आगे आने वाली वीडियो भी देखेगा। तो इससे आपको कितना ज़्यादा फायदा तो हो गया ना, कि आपका एक सब्सक्राइबर जो आपकी कभी वीडियो नहीं देखता था, आपकी एक लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से अब आपकी वो आगे आने वाली वीडियोज़ को देख रहा है ना। तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइव स्ट्रीमिंग। और जो नए यूट्यूबर्स हैं ना उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको रोज़ की एक वीडियो तो अपलोड करनी होगी अगर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम क्रॉस करना है। 4000 घंटे मतलब मिनट्स के अंदर 2.5 लाख मिनट। तो अगर आपको एक क्रॉस करने हैं तो आपको रोज़ की एक वीडियो तो अपलोड करनी होगी अपने चैनल पे। और जो पुराने या फिर नए यूट्यूबर हैं उनको एक और टिप देना चाहता हूँ मैं, कि आपको अपने वीडियो के थंबनेल को ऐसा बनाना होगा कि आपका जो सब्सक्राइबर है या फिर आपका जो सब्सक्राइबर नहीं भी है, अगर उसके सामने आपकी वीडियो आती है वो उसको देखते ही क्लिक कर दे, कि आपके वीडियो का थंबनेल ऐसा हो कि उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, मतलब कि उसको उस वीडियो को प्ले करने पे मजबूर करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप थंबनेल ही ऐसे उल्टे पुल्टे लगा लोगे जैसे आप ट्रेंडिंग पेज पे देखते हो घटिया जो वीडियोज़ होती हैं उनके जैसे,
अच्छे से तुमने बनाओ, मतलब कि जीनियन कंटेंट भी बनाओ, एक अच्छा कंटेंट जिसको लोग देख के अप्रिशिएट करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी वीडियो को पूरा देखें। बस यही टिप्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता था, और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझते होगे कि एक वीडियो को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, टिप्स चाहिए, या फिर अलग अलग तरीके की वीडियो चाहिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब के बटन पे दबा के साथ में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।